बेहद ही कम उम्र में इन अभिनेत्रियों ने रचाई शादी, कोई 15 तो कोई 16 की उम्र में बनी दुल्हन। इन दिनों अभिनेत्रियां अभिनय की दुनिया में अभिनेताओं के बराबर ही नाम कमा रही है। कई अभिनेत्रियां अपनी दमदार अदाकारी के दम पर दर्शकों के दिलों पर राज करती है। इसके साथ ही वह सोशल मीडिया पर अक्सर सुर्खियों में रहती है। अभिनेत्रियां अक्सर अपना फिल्मी कैरियर सफल बनाने के बाद ही शादी के बारे में सोचती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि आज के दौर में अभिनेत्रियां 30 से 35 साल की उम्र में शादी करती है, लेकिन इंडस्ट्री में कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने बेहद ही कम उम्र में शादी कर ली थी। चलिए जानते हैं बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों के बारे में जो बेहद ही कम उम्र में शादी के बंधन में बंध गई। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम बॉलीवुड अभिनेत्री भाग्यश्री का आता है। भाग्यश्री अपने जमाने की मशहूर अदाकारा रही है। भाग्यश्री ने मैंने प्यार किया फिल्म से अपनी अलग पहचान बना ली थी। भाग्यश्री ने बेहद ही कम उम्र में शादी कर ली थी। अपने कैरियर के पीक में ही भाग्यश्री ने बिजनेसमैन हिमालय दासानी के साथ शादी रचाई थी। भाग्यश्री ने महज 19 साल की उम्र में ही शादी कर ली थी। इसके बाद से ही उन्होंने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था। उन्होंने फिल्मी कैरियर से ज़्यादा तवज्जो अपनी शादीशुदा जिंदगी को दी। इस लिस्ट में अगला नाम बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया का है। डिंपल ने अपनी पहली फिल्म बॉबी से ही बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था। डिंपल कपाड़िया की शादी तो तब हुई थी जब वह नाबालिग थी। अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया ने महज 16 वर्ष की उम्र में बॉलीवुड सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ शादी कर ली थी। राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया के बीच 16 साल का अंतर था। बावजूद इसके दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी रचाई। हालांकि बाद में दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे तो डिंपल कपाड़िया ने राजेश खन्ना से अलग रहना शुरू कर दिया और दोनों का तलाक हो गया। बॉलीवुड की क्यूट अभिनेत्री रही दिव्या भारती का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। दिव्या भारती ने अपने चुलबुले अंदाज से सभी का दिल जीत लिया था। बॉलीवुड में कदम रखते ही दिव्या टॉप की अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगी। दिव्या भारती ने भी महज 18 साल की उम्र में निर्माता साजिद नाडियाडवाला से शादी कर ली थी। शादी के एक साल बाद ही दिव्या भारती की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। दिव्या भारती को लोग आज भी उनकी दमदार अदाकारी की वजह से याद करते हैं। दिव्या ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में दी थी। टीवी इंडस्ट्री की हॉट और बोल्ड अभिनेत्री उर्वशी ढोलकिया भी इस लिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए हैं। उर्वशी को आज भी लोग कसौटी जिंदगी सीरियल की कोमोलिका के रूप में याद करते हैं। उर्वशी ढोलकिया ने वैम्प का रोल इतना बखूबी निभाया था कि लोग उनकी अदाकारी के दीवाने हो गए थे। अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों का दिल जीतने वाली उर्वशी असल जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव वाली जिंदगी जी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उर्वशी ने भी नाबालिग अवस्था में ही शादी कर ली थी। उर्वशी ढोलकिया की शादी 15 वर्ष की उम्र में हो गई थी और 16 साल की उम्र में वह जुड़वा बच्चों सागर और क्षितिज की मां बन गई थी। कहा जाता है कि शादी के 1.5 साल बाद ही उर्वशी ढोलकिया पति से अलग हो गई थी। इसके बाद उर्वशी ढोलकिया ने अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश की। आलिया भट्ट की सास और रणबीर कपूर की मां नीतू कपूर ने भी 21 साल की उम्र में ऋषि कपूर के साथ सात फेरे लिए थे। नीतू और ऋषि ने 1980 में लव मैरिज की थी। बता दें कि जिस वक्त नीतू ने ऋषि के साथ शादी की वह इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था। 70 के दशक की मशहूर जोड़ी दिलीप कुमार और सायरा बानो ने 11 अक्टूबर 1966 को शादी की थी। उस वक्त सायरा महज 22 वर्ष की थी और दिलीप उनसे दुगुने 44 साल के थे। 12 साल की उम्र में सायरा बानो दिलीप की दीवानी हो गई थी। बता दें कि साल 2021 में दिलीप कुमार का निधन हो गया। उन्होंने 98 साल की उम्र में आखिरी सांस ली थी। इस लिस्ट में बबीता का नाम भी शामिल है। बबीता ने रणधीर कपूर से 23 साल की उम्र में शादी की थी। दोनों बचपन के दोस्त थे। इस शादी के लिए रणधीर के पिता राज कपूर ने शर्त रखी थी कि अगर शादी के बाद बबीता एक्टिंग छोड़ दे तो वे राजी हो जाएंगे।
बबीता ने शर्त मान ली और 6 नवंबर 1971 को दोनों की शादी हो गई। मशहूर गायिका आशा भोंसले ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर 16 साल की उम्र में अपने पर्सनल सेक्रेटरी के साथ शादी की थी। उनके पति उनसे 15 साल बड़े थे। हालांकि उनकी यह शादी ज़्यादा वक्त टिक नहीं सकी और बाद में उन्होंने मशहूर सिंगर आरडी बर्मन के साथ विवाह कर लिया। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बॉलीवुड से जुड़ी इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग खबरों को देखने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।